तो इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में होने जा रही है टाइनी फ्रैंकलिन और NPC की रेस। इस रेस में लोग अलग अलग गाड़ियां और सवारियां लेके आने वाले हैं। ऐसी रेस अभी तक आपने इस गेम में देखी नहीं होगी जिसमें हमारा पूरा घर एक रेस कोर्स बनने वाला है। तो वीडियो पूरी देखना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो गाइस कैसे हो, आज फिर से मैं निकल रहा हूँ अपने काम के लिए एक कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे आपको तो पता ही होगा कि मैं अपने कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। और मुझे आज बोला गया है कि एक बहुत अलग टाइप का काम मिलने वाला है, तो जाके देखते हैं आज बॉस ने क्या काम डिसाइड किया है मेरे लिए। ओके, तो आज हमारा जो काम है ना, उसके लिए हमें ये JCB की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग को ये JCB से जाना है बगल वाले रैम्स के पास। वो रैम्स आपको दिख रहे हैं, वहाँ पे आपको एक कंटेनर अलग सा दिख रहा होगा। इस कंटेनर के पास जाके हम लोग को इस कंटेनर को भाई नीचे गिराना है, क्योंकि ये ना बीच में अड़चन बन चुका है यहाँ के स्टंट वालों के लिए। तो ये रैम जो यहाँ पे अटका पड़ा है, इसको हम नीचे कैसे गिराएं? वैसे JCB है तो 2-4 टक्कर में ये नीचे गिर जाना चाहिए। एक और टक्कर मारता हूँ थोड़ी पास से, ये ले। ओ गिर गया, ओ भाई गिरा दिया मैंने, और वो टूट भी गया, पूरा कंटेनर खुली गया। एक सेकंड, ये क्या है भाई? ये पैसा है? इस कंटेनर के अंदर इतना सारा पैसा था भाई? भाई ये कौन रख के चला गया यार, इतना सारा कैश? यार इससे तो मैं पूरा शहर खरीद सकता हूँ, बट इसका मैं अब करूँ क्या? अभी के लिए ये कैश यहाँ पे सेफ रहेगा, क्योंकि मेरे अलावा ज़्यादा लोग इस कंटेनर के पास आते नहीं है। भाई इसका मैं जल्दी जुगाड़ लगा लूँगा, लेकिन मुझे ये डिसाइड करना है कि इस पैसे को मैं कहाँ लगाऊँ, क्योंकि इतना सारा पैसा मैं अगर लेके जाता हूँ या फिर इसको कहीं देता हूँ ना, तो लोग समझ जाएंगे कि मैंने किसी चुराया है या कुछ तो गलत किया है। भाई इसलिए मुझे थोड़ा सा पैसा है ना बांटना पड़ेगा। कैसे बांटूँ? आइडिया, एक रेस कराता हूँ भाई। मेगाफोन तो है ही हमारे एयरपोर्ट के ऊपर, इस मेगाफोन से मैं अनाउंस कर दूंगा सबको, शहर वालों को, कि भाई आपको एक रेस में आना है, और वहाँ पे मैं एक अच्छा खासा प्राइज मनी रखूँगा जिससे कि ये पैसा मैं थोड़ा सा बांट दूँ। चलो चलो जल्दी चलो, यहाँ एयरपोर्ट के ऊपर चढ़ना है हमें। चढ़ने के लिए कुछ सामान है? हाँ यहाँ पे वैसे सामान तो रखा है बहुत सारा, बट कौन से सामान से हम लोग ऊपर चढ़ सकते हैं ये मुझे देखना पड़ेगा। इसको मैं हिला सकता हूँ, इस बड़े से प्लेटफॉर्म को अगर मैं टेढ़ा करके रखूं तो फिर मैं ऊपर चढ़ूंगा, वो भी सीधे जहाँ पे मेगाफोन रखा हुआ है। नहीं नहीं, इस साइड नहीं, इसको मुझे इस साइड रोटेट कराना पड़ेगा, और यहाँ से थोड़ा पीछे लाना है, फिर इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, तो फिर हो जाएगा, है ना? हाँ, अरे मैं तो इसके ऊपर ही चढ़ गया। अच्छा मैं इसके ऊपर चढ़ के इसको उठा सकता हूँ क्या? अरे भाई क्या ताकत है, रुक जाओ, ये लो। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं यार, ये तो बिल्कुल लिफ्ट की तरह काम कर रहा है, आराम से मैं ऊपर आ जाऊंगा। और थोड़ा और थोड़ा, चलो मेगाफोन मिल गया। तो शहरवासियों सुनो, हमारे शहर में होने जा रही है एक कार रेस, नहीं बोलूंगा मैं, मतलब कोई सी भी रेस, आपको जो लाना है आप वो ले आओ, जिससे आपको सबसे तेज भागना आता है, जो सबसे तेज चलाना आता है आप वो ले आओ, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए मेरे घर के बाहर आना पड़ेगा, वो भी आज या कल। तो जल्दी से आना, रजिस्ट्रेशन करा लो अपना अपना, और ले जाओ बहुत सारा पैसा। तो मैं बैठ चुका हूँ अपने घर के बाहर लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इधर देखते हैं अब कौन कौन आता है, कितने लोग रजिस्टर करते हैं। वैसे मुझे लग नहीं रहा लोगों ने मुझे सीरियसली लिया होगा, क्योंकि ऐसी रेस कोई कराता है नहीं कि कुछ भी उठा के ले आओ, बट देखते हैं कौन आता है। ओ वाह यार, लोग आने लग गए हैं, सबका मैं रजिस्ट्रेशन करता हूँ, है ना? जल्दी जल्दी आओ भाई, नेक्स्ट जल्दी आओ। और फिर मेरे पास एक और आइडिया है जिससे ये सारा पैसा मैं ही जीत सकता हूँ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन तो हो चुकी है कम्प्लीट, अब मैं कैसे जीतूँगा ये रेस? तो मेरा है एक गांव का भाई, है ना, जो कि मेरे जैसा ही दिखता है, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, ठीक है। उसका नाम है राजू, उसको मैं लेके आता हूँ। वो आ ही गया है, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था भाई तू निकल जा गांव से जल्दी, तो वो निकल गया है और बस पहुँचने वाला होगा, उसकी ट्रेन आ ही गई होगी, टाइम तो हो चुका है। जाके मैं उसको पिकअप करता हूँ और वो पार्टिसिपेट करेगा इस रेस में, और वो जीत जाए, वैसे मेरे को लगता तो है वो जीत जाना चाहिए, बस गाड़ी देखनी है कि वो कौन सी लाएगा। ठीक है, तो राजू आ चुका है भाई, ट्रेन इसकी पहुंच चुकी है। चलो, क्या तू गाड़ी नहीं लाया? अबे यार तू गाड़ी नहीं लाया, तू पैसे नहीं लाया, तो हम तेरी गाड़ी खरीदेंगे कैसे? भाई मेरी गाड़ी तो यूज़ कर नहीं सकता, ये रूल्स के अगेंस्ट है, ये रूल्स मैं नहीं बनाए, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ?
अब क्या करे यार, पैसे भी नहीं है तेरे पास, ना गाड़ी है। अब मुझे गाड़ी का जुगाड़ करना पड़ेगा कहीं से भी। यार इसके लिए गाड़ी कहाँ से लाऊं, मेरा फोन ही बता सकता है। अब चीप व्हीकल लिखा है मैंने इसमें, देखते हैं कुछ मिलता है तो। अगर अरे भाई ये इससे ये कैसे जीतेगा, लेकिन हमारे पास यही ऑप्शन है। चलो भाई देखते हैं, इससे ही अगर ये कुछ कर ले तो लेके आता हूँ मैं इसको। यार इसको लाने के लिए मुझे उस तक पहुँचना पड़ेगा जो कि बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है। तो मुझे यहाँ से जाने के लिए बोला गया है, ठीक है, तो मैं यहीं से जाता हूँ और उस लेके आता हूँ गाड़ी को। क्या बोलूँ मैं उसको, बैलगाड़ी भी नहीं बोल सकता भाई, बैलगाड़ी में एटलीस्ट बैल रहते, ये पता नहीं कैसी चलने वाली है। चलो इसको लेके आते हैं पहले तो, लेकिन ये कंप्लीट करते हैं रैंप उसके लिए, तभी हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे। ये बीच में डस्टबिन क्यों लगे कोई ये बताओ पहले तो मेरे को। है भाई कोई मतलब बीच में कैसे लगा सकता है यार, यहाँ पे बहुत मुश्किल से मैं निकला हूँ यार साइड से। मुझे तो लग रहा था कि मैं पहाड़ गिर जाऊँगा भाई, यहाँ फिर से बीच में कुछ लगा दिया यार, साइड में इतनी कम जगह कैसे ही निकलेगा कोई। बस मैं बाहर नहीं गिर जाऊँ, बाकी सब तो ठीक है। आगे एक और है, वाह फिर से बाहर से जाना पड़ेगा। अरे यार थोड़ी और मुड़ता हूँ, रुक जाओ। ये अरे यहाँ पे जगह है कि नहीं है, गाड़ी चढ़ नहीं रही यार मेरी, अभी चढ़ी लेकिन फिर अटक गई। बहुत ही छोटी जगह भाई, एक तो थार है, बाइक भी होती ना तो मैं आराम से निकल लेता। ये तो कर दिया मैंने, अब आगे देखते हैं। क्या आगे कुछ कंटेनर्स हैं जो कि ऊपर की तरफ घूम रहे, और आगे मुझे एक और दिख रहा है उसके, पहले ये वाला करूँ। अब ये वाला कंटेनर ऊपर की तरफ नहीं घूम रहा है, ये साइड की तरफ घूम रहा है, तो इसमें मुझे इधर से जाना चाहिए ना, जहाँ पे ये उस तरफ जा रहा है तभी मैं निकल पाऊँगा, लेकिन ये कब तक जाएगा। चलो ये निकला तो सही, अब निकलता हूँ मैं भी। अब क्या है आगे, अब पंखे हैं, पंखों से बच के जाना पड़ेगा। रुको अब जा, अरे यार लेट कर दिया, अब नहीं मेरी गाड़ी नहीं, अब नीचे मत गिर जाना, उसी गैप में जा रही थी। बच गया भाई, बच गया यार, करेक्ट एक जो गैप था ना उसी गैप में मेरी गाड़ी गिरने वाली थी, पता नहीं मैं कैसे ही बचा अब। लेकिन अच्छा, अबे यार डायरेक्ट चढ़ेगी नहीं, मुझे इस पे से चढ़ा के आना था, बट अब मुझे लग रहा है मैं फंस गया। अरे यार ये गाड़ी कहाँ फंस गई मेरी, ये मोड़ू कैसे। अब मुझे लगने वाले हैं 10 मिनट कम से कम, क्योंकि आगे पीछे करके ना मैं इसको मोड़ रहा हूँ, और पता नहीं ये बहुत ही एक इंच मतलब एक इंच भी नहीं यार, बहुत ही कम मुड़ रही है, ऐसे करके कब तक मुड़ेगी ये। हो फाइनली निकल गई, अब हमें चढ़ाना है इस पर। अब चढ़ाने की दिक्कत है क्योंकि पीछे जगह है नहीं भाई, थोड़ी मतलब एक्सेलरेट करके लाऊं तभी तो इस पर चढ़ेगी कूद के। ये लो कूदी, लेकिन अबे हो गया, वाह यार मुझे लगा नहीं तो हो पाएगा, हो गया। आगे क्लियर है रास्ता भाई, कर दिया क्या मैंने, पहुंच गया हूं क्या उस कार तक, नहीं थोड़ा और दूर है। अरे अभी तो बहुत दूर है भाई, आगे पंखे लगे हैं, ये पंखों से जाना है मुझे बच के, बीच में गड्ढा है क्या। अरे नहीं नहीं नहीं, अच्छा मैंने लास्ट टाइम पे देख लिया, अभी मैं सीधा निकल लेता और नीचे गिर जाता। ओके प्लेटफॉर्म मिल चुका है, अब पंखों के बीच में से जाना है धीरे से, लेकिन इतना धीरे भी नहीं कि पंखा मुझे पीछे से घेर ले। एक ही पंखा है क्या, ठीक है ये तो कर लूँगा मैं। अरे यार धीरे कर दी क्या मैंने गाड़ी, अरे नहीं फंस गया यार फंस गया मैं, कोई निकलने का रास्ता बताओ मुझे, कैसे ही निकलूँ मैं इसमें से, मेरी गाड़ी सीधे होती तो मैं निकल भी लेता। हाँ ऐसी तो बोल रहा था। अरे वाह यार बोला नहीं कि हो गया, अब ये क्या है, अबे बीच में रास्ता है कि दीवार के ऊपर से जाना है, ये मत बोलना दीवार के ऊपर से जाना है भाई, ये कैसे जाएगी। इससे टफ स्टंट मैंने आज तक किया नहीं होगा भाई, मतलब दीवार के ऊपर से कैसे। अरे बच गया टायर फंस गया मेरा, अबे टायर तो दोनों ऊपर है तो ये, अरे यार ये क्या हुआ भाई, टायर तो मेरा नीचे फंस गया, ये ऊपर आएगा अब मुझे लग नहीं रहा। आ गया लेकिन ओ पता नहीं कैसे, लेकिन हो गया, और मैं निकल के आ ही गया था कि मेरी गाड़ी ने दम तोड़ दिया। यार पूरी मेहनत करके मैं फिर से आया हूँ, इस बार कोई तरीका निकल जाए यहाँ से निकलने का, पिछली बार तो गाड़ी अटक गई थी क्योंकि शायद मैंने टेढ़ी कर दी होगी गाड़ी, इस बार मैं नहीं करूँगा, इस बार मैं सीधा ही जाऊँगा ताकि मेरी गाड़ी के टायर फंसे नहीं, मैं यही चाहता हूँ भाई, बस सीधा चलते रहना है तो मुझे लगता है ये हो जाएगा। पिछली बार थोड़ी सी टेढ़ी कर दी थी, इस बार बिल्कुल सीधा जाऊँगा भाई, स्केल से सीधी लाइन खींचने वाला हूँ मैं, तभी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ। आगे बस जो नीचे की तरफ जा रही है दीवार मुझे वही समझ नहीं आ रहा, बट ठीक है अभी तो पहले ये करूँ मैं,
सीधे ही जा रहा हूँ यार, बिल्कुल सीधा जा रहा हूँ, लेकिन ये धचका क्यों आ रहा था? ओ अरे, कर तो दिया था भाई, फिर अटक गई। लो, एक टायर इसका फंस गया, अब ये ऊपर आएगी नहीं, अब मुझे नीचे ही कूदना पड़ेगा। ओके थार, बाय बाय, अब तो इसका कोई काम ही नहीं है। यार मुझे ना एक चीज़ समझ में आ गई है कि अगर मैं धीरे गया ना तो मैं कितना भी परफेक्ट सीधा जाऊँ वो नीचे ही गिरेगी गाड़ी, तो मुझे लास्ट में इतना तेज जाना है कि मैं वो नीचे वाले पार्ट में जाऊँ नहीं, सीधा आगे जा गिरूँ। तो मैं यही कोशिश करने वाला हूँ। और ये टेढ़ी कैसे भी आई लेकिन आ गई, लेकिन यहाँ से अगर नीचे गिर जाता ना मैं इस थार को फोड़ देता और फिर मैं बाइक से आता, लेकिन ठीक है हो गया। चलो भाई ये कर दिया है, बट आगे क्या है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। ये गड्ढा है कि यहाँ से जा सकते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है भाई, यहाँ बीच में गैप नहीं हो बस। चलो हो गया, कर दिया, अब सीधा नीचे जाना लग रहा है, हमने कर दिया पूरा और कार्ट तक पहुँचने वाले हैं। एक सेकेंड, आगे एक और मुझे कुछ अजीब सा दिख रहा है, इसके लेफ्ट से जाना है क्या? ओके ओके ओके, ये तो कर दूंगा मैं। अच्छा मुझे दिख गया, दिखा नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन ये लो कर दिया। आगे फिर से भाई ये ख़त्म नहीं हो रहा यार। अरे यार ये डस्टबिन मुझे उसकी याद दिला रहे हैं, मुझे इस पे भी सीधा जाना है भाई, ये कुछ टेढ़ा नहीं हो, मतलब पहुंच जाए। ये देखो लास्ट में भी टायर मेरा उतर गया था, बट पता नहीं कैसे पहुँच गया हूँ। अब ये क्या है, यहाँ से फिर लेफ्ट जाना है, मेरी गाड़ी नीचे फिसलेगी नहीं, मतलब राइट से अगर मैं लेफ्ट ऐसे मोड़ता हूँ भाई मेरी गाड़ी बस फिसले नहीं, बाकी तो मैं कर लूँगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है गाड़ी कैसी फिसलती है। यहाँ से मैं चले तो जाऊँगा बट यहाँ से फिसलेगी तो क्या होगा। चलो इतनी फिसल नहीं रही लग रहा है, बस यहाँ से ऊपर चढ़ना है, लेकिन ये ऊपर चढ़ने के लिए मुझे थोड़ा बीच में से आना पड़ेगा, और बीच में से आने के लिए मुझे पीछे लेनी पड़ेगी गाड़ी, पीछे तो खाई है। अब क्या करूँ भाई, थोड़ा सेंटर में आना पड़ेगा तभी जा सकती है, वरना तो पॉसिबल नहीं है यहाँ से चढ़ाना। ये देखो ये टायर फंसेगा इधर, थोड़ा सेंटर से ही जाना पड़ेगा तभी चढ़ेगी ये गाड़ी। लो चढ़ गई, और अरे भाई यार बोला था और चल हो गया भाई, कितना है यार, ख़त्म कर दो यार, और नहीं सहा जा रहा मेरे से, हो गया ना। अब एक जंप है क्या? ठीक है एक जंप और मारनी है और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे उस कार्ट तक, अब हो जाएगा भाई काम। चलो जल्दी लेट्स गो। ये आगे गए और कहाँ है वो प्लेटफॉर्म, वो रहा, पहुँच गए, आ गए, मिल गई हमें ये कार्ट। अब वो राजू कैसे ही चलाएगा भाई इसको, स्पेस स्टीयरिंग लगा दूंगा मैं और फिर इसको वो चला सकता है। तो स्वागत है आप सबका इस रेस में, आप पांचों आज की रेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, सब अपनी अपनी गाड़ी लेके ही आए होंगे, बट अब एक ट्विस्ट है, आपकी जो रेस है वो शहर के बाहर नहीं बल्कि मेरे घर के अंदर होने वाली है। वो कैसे, चलिए बताता हूँ। तो ये है हमारा मैजिक पोर्टल, आपको अपनी अपनी गाड़ी सवारी जो भी है वो इस पोर्टल के अंदर से ले जानी है, और फिर आप ऐसे छोटे हो जाओगे, और फिर आपको छोटा बन के हमारी रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अगर एग्री करते हो तो जल्दी जल्दी अंदर घुसो। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की हमारी रेस चालू होने वाली है, आइए मैं आपको कोर्स दिखाता हूँ। पहले हमारे गेट से चालू होते हुए रेस सीधे जाएगी सीढ़ियों से हमारे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ, फिर जिम से होते हुए हमारे अंदर वाले कमरे में है फिनिश लाइन, और ये है हमारे धमाकेदार धुआंधार सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स। तो रेडी 3 2 1 गो, और रेस हमारी चालू हो चुकी है, सबने चालू कर दिया है भाई, प्लेन जो है वो बिल्कुल ही आगे निकल चुका है, ऑटो तो पता नहीं क्या हुआ स्टार्टिंग में ही क्रैश कर गई है, टायर भी बाहर आ चुका है, बाकी सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, प्लेन हमारा बहुत ज़्यादा आगे निकल चुका है, बाकी सब पीछे है, प्लेन तो स्टाइल में आ रहा है भाई, ये इतना ज़्यादा आगे, ये दूसरे को ट्रोल कर रहा है, ये कुछ भी कर रहा है, और प्लेन अपनी मस्ती में ही जाके दीवार से ठुक गया है। बाकी तीन कंटेस्टेंट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, एक ऊपर से जा रहा है, दो नीचे से जा रहे हैं, डायनासोर ने डॉग को गिरा दिया है अपनी पूंछ से, और अब बचे हैं सिर्फ दो पार्टिसिपेंट्स। डायनासोर फुल फॉर्म में आ चुका है, मुंह खोल के भागने लग गया है, अब फाइनल में है टीरेक्स वर्सेस कार्ट। तो गाइस आपके पास 5 सेकंड है, जल्दी से वीडियो पॉज करो और जाके कमेंट करो कि कौन जीता है ये रेस, और फिर से आओ वीडियो को चालू करो। तो गाइस आज के हमारे विजेता हैं इस घमासान रेस के राजू।
और ऐसा इसलिए क्योंकि जो पुलिस वाला था उसने कभी फिनिश लाइन पार करी ही नहीं, इसलिए वो बाहर हो गया रेस से। गाइस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो